उठाता हूं। पहले जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर्स इन्वेस्टिगेशन करते हैं और बाद में प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, तो मैं प्रिस्क्रिप्शन पहले लिख देता हूं आपको। हाँ, ये प्रिस्क्रिप्शन वो जो डॉक्टर वैद्य लिखते हैं ऐसा नहीं है, ये कुछ और है, और एक डिस्क्लेमर के हिसाब से भी आपको कह दू कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। मैं जो हूं एजुकेशनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं। 1971 में मैंने बीई इलेक्ट्रिकल गुजरात यूनिवर्सिटी एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से डिस्टिंक्शन में पास की थी। और जो मैं आज बातें दुनिया को बताता हूं, दवाई रहित दुनिया, मेडिसिन फ्री दुनिया, रोग रहित दुनिया, डिजीज फ्री दुनिया, इतना ही नहीं, ये तो मामूली बात है। हाँ, रोग हटना मामूली बात है, लेकिन जो हमारे अन्य रोग है, बहु के रोग है, ये यहां हट जाते हैं। शारीरिक रोग तो हट जाएंगे, कायिक रोग हट जाएंगे, लेकिन ऐसे मानसिक बौद्धिक चैतिक आत्मिक सारे रोग हट जाएंगे और हम परमात्मा प्राप्ति के और आगे बढ़ेंगे। ऐसी जो साधना है, रामचरित मानस में इसको नाम दिया गया है तप सेवा सुमिरन। तप सेवा सुमिरन रामचरित मानस, यही साधना को गीता जी में नाम दिया गया है, श्रीमद भगवत गीता में तप दान यज्ञ। यही साधना कुरान में नाम दिया गया है रोजा सकात नमाज। यही साधना बाइबल में नाम दिया गया है फास्टिंग चैरिटी प्रेयर। इसी साधना को गुरु ग्रंथ साहिब में नाम दिया गया है उपवास दस बंद सीमरन। आप देख सकते हैं कि सभी में तीन स्टेजेज है, त्रिसूत्री साधना है, सीक्वेंस भी एक ही है, क्रम एक ही है, पहले तप आएगा, बाद में सेवा और अंत में सुमिरन। तो ऐसी साधना पे जो आगे चलते हैं उनके सारे रोग हट जाते हैं, दैहिक हट जाते हैं, ऐंद्रिक हट जाते हैं, मानसिक हट जाते हैं, बौद्धिक हट जाते हैं, चैतिक हट जाते हैं, आत्मिक हट जाते हैं, और आत्मा और परमात्मा का मिलन की ओर वो आगे बढ़ने लगते हैं। तो ये साधना है जिसमें सब कुछ आ जाता है। और सारी साधना बहुत हम करते हैं, हमने भी की है, आपने भी की होगी, करते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो रही है। बिना नींव हम इमारत लगाते हैं ऐसा होता है, यहां नींव से ऊपर उठना है। तो सबसे पहले